आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, एनआरसी और एनपीआर को गरीबों पर हमला बताया। गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती, सीए का वो प्रावधान बताओ जो नागरिकता छीनता। कजाकिस्तान के अल्माटी में यात्री विमान क्रैश, 15 की मौत, विमान में थे 100 यात्री। कमलनाथ के मंत्री पीसी शर्मा का खुलासा, कई लीडर नहीं चाहते थे माफिया के खिलाफ एक्शन। और छत्तीसगढ़ में सीए और एनआरसी के समर्थन में लोग, कई जगह समर्थन में हुए प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमले किए। छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। राहुल ने एनआरसी और एनपीआर को देश के गरीबों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है, समय बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने रायपुर में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे, इसकी वजह से देश में अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर वे अपना काम ठीक ढंग से करते तो ये सब नहीं होता। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है वह देश के लिए आंतरिक तौर पर घातक है। इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। देश का टाइम जाया किया जाए, नोटबंदी की, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा निकाल दिया, 3,50,000 करोड़ रुपए सबसे अमीर 15 लोगों को दे दिए। मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया, उनके जेब में गया। कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, मगर ये प्रधानमंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर वे पूरी तरह असफल साबित हो रहे हैं। जनता ने इनके दिखाए झूठे ख्वाबों को अब समझ लिया है और प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का भरोसा भी कमजोर हो रहा है। एनआरसी और एनपीआर जैसे बिल लाकर सरकार देश के गरीबों पर अत्याचार कर रही है, यह पूरी तौर पर दमनकारी नीति है। इसकी वजह से देश की गरीब जनता और ज्यादा तकलीफ से गुजर रही है। नोटबंदी ने गरीबों की कमर तोड़ कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के प्रावधानों को लेकर राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। शाह ने कहा कि राहुल गांधी सीएए का एक भी ऐसा प्रावधान बता दे जिसमें किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जाता हो। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने यह बात कही। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस एंड कंपनी देश में अफवाह फैला रही है कि सीए से अल्पसंख्यकों मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी। मैं राहुल बाबा को चुनौती देता हूं कि वह इस एक्ट का एक भी ऐसा क्लॉज बता दे जिसमें यह प्रावधान है कि उससे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश के बिल के अंदर, एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी, माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान।
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसमें हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून बनाना भी शामिल है। इस कानून के लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम जो भारत की नागरिकता चाहते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून से इन तीन देशों के मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। देश में इसके खिलाफ ही प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से कई बार सफाई सामने आ चुकी है कि इस एक्ट से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। कजाकिस्तान के अलमाटी एयरपोर्ट के करीब एक यात्री विमान क्रैश हो गया। विमान में 100 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसा उड़ान भरने के ठीक बाद हुआ। इस विमान हादसे में 15 लोगों के मारे जाने और 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। राहत और बचाव दल ने बहुत से यात्रियों को बचा लिया है। शुक्रवार सुबह अलमाटी एयरपोर्ट से बैक एयर के विमान ने 95 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के ठीक बाद यह एक बहुमंजिला इमारत से जा टकराया और क्रैश हो गया। विमान क्रैश होते ही राहत और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची और तत्काल लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। हादसे का शिकार हुआ विमान अलमाटी से कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान के लिए जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में यह रडार से गायब हो गया। कुछ ही देर में हादसे की जगह से धुआं उठता नजर आने लगा। विमान के लापता होते ही राहत और बचाव दल रवाना हुए और दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। हादसे के बाद क्रैश हुए विमान की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिनसे मलबे से बचाए गए लोगों की वहीं बैठे नजर आ रहे हैं। साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें टुकड़ों में बटा विमान नजर आ रहा है। मशहूर फिल्म अभिनेता कुशाल पंजाबी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 37 साल के कुशाल का मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर उनका शव फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद कुशाल के घर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि उसमें आत्महत्या करने की क्या वजह बताई गई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद बॉलीवुड में भी शोक की लहर फैल गई है। कुशाल के साथ काम करने वाले कलाकारों ने इस घटना पर दुख जताया है। 37 साल के कुशल पंजाबी एक जाने माने अभिनेता थे। इस समय उनके पास काम भी बहुत था। ऐसे में उनका अचानक फांसी लगा कर जान देना किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। टीवी कलाकार करणवीर बोहरा ने कुशल के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वह इस घटना से हैरान है। करणवीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुम्हारे जाने की खबर से मैं हैरान हूँ। मैं अब तक इस बात को नहीं मान पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी जगह हो, लेकिन यह समझने में काफी मुश्किल है। आपने मुझे बहुत प्रेरित किया था। वही कलाकार करण पटेल ने कुशाल का फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा, रिप मेरे भाई। ये सच हो गया जब वे कहते थे कि मुस्कान वाले चेहरे सबसे ज्यादा दुख छुपाते हैं। कुशाल पंजाबी ने टीवी के साथ ही फिल्मी पर्दे पर भी अपनी कलाकारी से छाप छोड़ी थी। कुशाल पंजाबी का जन्म 23 अप्रैल 1982 को हुआ था। उन्होंने टीवी एक्टर के साथ ही मॉडल के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बना ली थी। उन्होंने माउथ फुल हाफ, स्काई, ये दिल चाहे मोर, लव मैरिज, देखो मगर प्यार से, कभी हाँ कभी ना, फियर फैक्टर, कसम से, अंतरिक्ष, हम तुम, जोर का झटका, आसमान से आगे, तेरी मेरी लव स्टोरी और राजा की आएगी बारात जैसे कई कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सलामे इश्क, हमको इश्क ने मारा, धन धना धन, गोल, क्रेजी, कुक्कर, फैमिली और काल जैसी फिल्मों में भी काम किया है। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी आदिवासियों के साथ डांस करते नजर आए। राहुल नाचने के साथ ढोल बजाते हुए भी दिखे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ढोल बजाया। रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदिवासियों के साथ पारंपरिक डांस करते नजर आए। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ढोल भी बजाए। आज से राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आगाज हुआ है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश के 25 राज्यों सहित 6 देशों के आदिवासी लोक नृतक दल आए हैं। आयोजन का शुभारंभ राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने इस महोत्सव को लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला शानदार आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि अब जब देश में सांप्रदायिकता और अराजकता के जरिए भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है, ऐसे में इस तरह का आयोजन अलग अलग संस्कृति
के लोगों को एकजुट करने के लिए एक बेहद सकारात्मक कदम है। राहुल गांधी जैसे ही मंच से अपना भाषण देकर उतरे, उनके सामने छत्तीसगढ़ के गौर माड़िया नृतक दल प्रस्तुति दे रहा था। मांदर की मधुर थाप से राहुल मुग्ध हो उठे और खुद को रोक नहीं पाए। बायसन मुकुट पहने राहुल ने मांदर लटकाया और नृतक दल के साथ नृत्य में शामिल हो गए। उनके साथ साथ सीएम भूपेश बघेल भी मांदर की थाप पर थिरकने लगे। राहुल नृतक दल की भाव भंगिमाओं और उनके डांस स्टेप को ध्यान से देखते रहे और उसे अपने अंदाज में करते दिखाई पड़े। उन्होंने नृतक दलों का जमकर उत्साहवर्धन भी किया। उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। राहुल ने रायपुर में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ लिए बगैर नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि जब तक हर भारतीय की आवाज को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में नहीं सुना जाएगा, तब तक बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता। देश की हालत आप जानते हैं, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था की हालत, बेरोजगारी, ये आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बिना सबको लिए हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी दलित पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को खत्म करने के लिए अब लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन सड़कों पर आकर करना शुरू कर दिया है। जहां विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहा है, वहीं अब मोदी सरकार के समर्थक खुलकर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं। रायपुर में बूढ़ा तालाब में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल समर्थन महासभा हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और सभा के बाद रैली निकालकर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरे। समर्थन महासभा व रैली को कई बुद्धिजीवी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल व अन्य लोगों ने संबोधित कर इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी और जागरूक किया। रायपुर से विधायक भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो कपूत हैं। आज हम सब भारत माता के सपूत हैं। ये नागरिक संशोधन विधेयक भारत माता के सपूतों की रक्षा के लिए है। जो भारत माता का कपूत है या जो विरोध करता है उसको ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए विरोध करने वाले भारत माता के सपूत नहीं, कपूत हैं, और वो भारत माता के रक्षक नहीं है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहा कि पॉलिटिकल लीडरों के ना चाहने के बाद भी कमलनाथ सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। एमपी की राज्यसभा सीटों को लेकर शर्मा ने कहा, ये बड़ा मामला मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी देखेंगे।
माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार का पहले दिन से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का एजेंडा था। पॉलिटिकल लीडरों के ना चाहने के बाद भी हमने कार्रवाई की। मंत्री कमलनाथ की गुड गवर्नेंस की सोच के आधार पर पहले दिन से ही काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में माफिया पर कार्रवाई हो रही है। जो कांग्रेस से जुड़े थे उन पर भी कार्रवाई की है। हमारी सरकार ने इंदौर की जीतू सोनी पर जिस तरीके से कार्रवाई की है ये उदाहरण है। माफिया पर कार्रवाई का सुशासन में हमने प्रदेश को नंबर वन बना दिया है। आज पूरे प्रदेश में जो माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो ऐसे लोग कहीं कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे उन पे भी एक्शन हुआ। अगर कोई माफिया टाइप की गतिविधि है और जिस तरह से जीतू सोनी पे कार्रवाई हुई वो एक बड़ा प्रमाण है। उसके बाद बाकी जगह भी हुई, भोपाल में, इंदौर, जबलपुर, सभी जगह, और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के न चाहते हुए भी ये सब हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो उन्होंने एक सोच थी गुड गवर्नेंस की उस पर पहले दिन से एक्शन किया। पीसी शर्मा ने कहा कमलनाथ सरकार योजना बना रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो। इसके लिए ग्रामीण अंचलों में भी संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। जय किसान कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव को लेकर शर्मा ने कहा यह बड़े मामले मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच के हैं। हमारे पास पहले दो राज्यसभा सीट है। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीतकर सुर्खियों में आने वाली तहसीलदार फिलहाल विवादों से घिर गई हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण निर्वाचन कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस तो जारी हुआ ही है, साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। मामला सोशल मीडिया से शुरू हुआ। दरअसल श्योपुर के कराहल में सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ फेसबुक पर कुछ लोगों ने पोस्ट करते हुए कार्रवाई को मनमानी व गलत बताया। ऐसी ही एक पोस्ट पर तहसीलदार अमिता सिंह ने कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रभावित लोगों को न्यायालय में जाने की सलाह कमेंट बॉक्स में दे डाली। यही उन पर भारी पड़ गया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तहसीलदार अमिता सिंह को नोटिस जारी कर दिया। तहसीलदार को दूसरा नोटिस भोपाल के एक युवक सैयद काशिफ अली नियाजी की एक पोस्ट पर कमेंट करने पर मिला। 16 दिसंबर को सैयद काशिफ अली नियाजी ने संविधान और सरकार से जुड़ी एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट पर तहसीलदार अमिता सिंह ने सिर्फ 3 शब्द का आपत्तिजनक कमेंट किया था। बताया गया है कि कई लोगों ने इसकी शिकायत भोपाल में ही सीनियर कांग्रेस नेता व अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्रियों से की। सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो चर्चा में है, इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीतकर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। वही उसके उलट उन्होंने चाटुकारिता और भ्रष्टाचार बनाम शासकीय सेवा शीर्षक से फेसबुक पर एक पोस्ट कर प्रदेश भर के नायाब तहसीलदारों को भ्रष्ट और चाटुकार बता दिया था। साथ ही अमिता सिंह ने अपनी पोस्ट में सरकारी तंत्र को भी सड़ा हुआ बताया था। उन्होंने लिखा था कि अब तो प्रशासनिक अकादमियों में भी भ्रष्टाचार व चाटुकारिता की ट्रेनिंग दी जा रही है। वे सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहती हैं। पिछले साल जब राज्य शासन ने राजगढ़ में उनका तबादला सीधी कर दिया था तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। तबादले का मामला उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उठाया, हालांकि उन्हें सीधी जाकर ज्वाइन करना पड़ा। कुछ महीने में उनका तबादला सीधी से भी कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर तबादला स्थगित हुआ था और वह चुरहट में ही पदस्थ रहे। इसके बाद उनका तबादला फिर हो गया। अब ट्रांसफर वाली मैडम भी कहा जाता है, उनके करीब 2 दर्जन से अधिक बार तबादले हो चुके हैं। अमिता के पति ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध ही नहीं अब समर्थन भी जमकर हो रहा है। पूरे देश में लोग इस बिल के समर्थन में रैलियां निकालकर नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर में नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस अधिनियम को भारत के नागरिकों के हित में बताया।
नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। एक खेमा इसके विरोध में है तो एक खेमा इसके पक्ष में है। नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार का एक बेहतर कदम बताते हुए राजनांदगांव शहर में इस बिल के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस अधिनियम को भारत के नागरिकों के पक्ष में बताया। इस दौरान यात्रा में शामिल राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि इस बिल के आने से भारत में पड़ोसी देशों से आए हुए प्रताड़ित लोगों को राहत मिलेगी। आज राजनांदगांव की जनता ऐसे नागरिकता संशोधन एक्ट के पक्ष में आज सड़कों पर उतर करके आज मोदी जी को यही संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी, हम आपको बधाई देते हैं, आपने इस राष्ट्र के लिए 70 वर्षों से लंबित ऐसे दबे कुचले उत्पीड़ित लोगों को, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, आपने उनको मौका दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तिरंगा यात्रा राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान से निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में सभी आयु वर्ग के महिला और पुरुष हाथों में भारत माता की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लेकर शामिल हुए। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। रैली का समापन शहर के जयस्तंभ चौक में आयोजित एक महासभा के साथ किया गया। मध्य प्रदेश सरकार भू माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। राजधानी में भी कई अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई हुई। बैरागढ़ कला में भी राजू मीना के अवैध कब्जे वाले मकान को तोड़ दिया गया। राजू मीना के खिलाफ लगभग 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोपाल में अवैध कब्जे हटाने की प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन भू माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अवैध कब्जों से शहर को मुक्त कराने का अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत नगर निगम अमला और पुलिस प्रशासन का दल बैरागढ़ कला पहुंचा। बैरागढ़ कला में राजू मीना के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने ग्राम बेहटा के पास टेकरी के पीछे सरकारी जमीन पर बनी डेयरी को भी जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया था। एसडीएम मनोज उपाध्याय और एसडीओपी दीपक नायक ने प्रशासन को जो नाम दिए थे उन मकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। राजू उर्फ राम नारायण मीणा ये निगरानी शुदा बदमाश है और इनके ऊपर लगभग 49 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो जो मकान आप देख रहे हैं तोड़ा जा रहा है वो इनके स्वामित्व का मकान है और नगर निगम से कोई एनओसी नहीं है इसकी। बिना एनओसी के इन्होंने मकान बनाया हुआ है, इसलिए इसको तोड़ा है। हमने जो लिस्टिंग कर रखी है, जो थाना क्षेत्र के इस तरीके के अपराधी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपराध हैं और जिनके द्वारा इसी प्रकार से संपत्ति का अर्जन किया गया है, उनके विरुद्ध में इस तरीके की ये कार्रवाई करी गई है। इनके मकानों के जो अवैध निर्माण करे गए हैं और उनकी और संपत्ति को भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी तमाम सूची हमारे थाना क्षेत्र में अनुभाग के स्तर पर सूची बनाई गई है और उसमें लगातार संपत्ति चिन्हित करके इस तरीके की कार्रवाई के लिए, क्योंकि नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई करी जा रही है। बिना अनुमति के 1500 वर्ग फीट पर मकान राजू मीना ने बना रखा था। राजू मीना के खिलाफ बैरागढ़ और खजूरी थाना क्षेत्र में अड़ीबाजी, अवैध शराब बेचने समेत 49 प्रकरण दर्ज हैं। बैरागढ़ कला निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश राजू उर्फ राम नारायण मीना के मकान को जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। कब्जा हटाने पहुंचे अमले को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। राजू के मकान पर अमला पहुंचते ही महिलाएं घर से बाहर निकल आईं। भाई हरि नारायण और सपना मीना ने पुलिस प्रशासन से काफी देर बहस की, लेकिन प्रशासन ने किसी की बात नहीं सुनी। घर का सामान निकालने के लिए परिवार को आधे घंटे का समय दिया गया। इसके बाद 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मकान तोड़ दिया गया। माफियाओं की सूची पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, नगर निगम द्वारा फिर उनकी संपत्ति के संबंध में परीक्षण किया जाता है कि उनका जो भवन है या जो भी उन्होंने अवैध रूप से जो गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी अनुमति उस इंस्पेक्टर की, नगर निगम से अनुमति प्राप्त की गई है कि नहीं की गई है। यदि नहीं की गई तो उसको तोड़ने की कार्रवाई की। इंदौर में अवैध काम करने वालों की पुलिस से मिली भगत कोई नई बात नहीं है। ऐसे में एसपी को पब संचालकों के खिलाफ पुलिस वालों को भी चेतावनी देना पड़ रही है कि देर रात में पब खुले तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इंदौर में पब, बार और रेस्टोरेंट, होटल चलाने वालों के पुलिस के गठजोड़ के कई किस्से सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस सब को नियम कायदे का पाठ पुलिस को नए सिरे से पढ़ाना पड़ रहा है। इंदौर पश्चिम के एसपी अवधेश गोस्वामी ने पब संचालकों और थाना प्रभारियों को चेतावनी दी है और कहा है कि देर रात किसी भी क्षेत्र में पब संचालित हुए तो दूसरे थाने क्षेत्र का टीआई रेड करेगा और वहां के अधिकारी के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। भवरकुआ थाना क्षेत्र में पब चालू होने के बाद एसपी ने समस्त थाना प्रभारियों और पब संचालकों को ये चेतावनी दी, साथ ही कनाडिया थाना की कार्रवाई का उदाहरण भी दिया। सभी को सख्ती से निर्देशित किया जा चुका है। आप लोगों को मालूम है, यद्यपि मेरे क्षेत्र का नहीं है, कि एक जगह पर रात्रि में पब की बहुत सख्त कार्रवाई की गई। न केवल लाइसेंस निरस्त करने के लिखा गया, बल्कि संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की। भवर कुआ हो या कोई भी कुआ हो, ठीक है, अगर पब रात में चलेंगे दूसरे थाना क्षेत्र से रेड कराई जाएगी और संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। बुंदेलखंड की अनोखी परंपराएं ही बुंदेलखंड की पहचान है। बदलते समय के अनुसार इंसान बदल जाता है और परंपराएं पीछे छूट जाती हैं। या यूं कहें कि आज की पीढ़ी पुरानी परंपराओं को रूढ़िवादी या तकियानुसी परंपरा का नाम देकर निभाना ही नहीं चाहती, मगर रजौली गांव में 400 साल से चली आ रही परंपरा आज भी निभाई जा रही है और इस परंपरा को निभाने के लिए पूरा गाँव एकजुट होता है, जिसने हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। जितना अनूठा बुंदेलखंड अंचल है, उतनी ही अनूठी यहाँ की परंपराएं हैं। इन परंपराओं में इंसान का ही नहीं, जानवरों तक का ख्याल रखा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि खेत में गाय घुस कर फसल खा लें तो विवाद हो जाते हैं, मगर आपने ये नहीं सुना होगा कि खुद ही लहराती हुई फसलों को खाने के लिए गाँव के लोग गाय खेत में छोड़ दें। जी हाँ, ये सच है और ऐसा होता है। सुर्खी विधानसभा के रजौली गाँव में 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। सारे देश में गौरक्षा गौ संरक्षण संवर्धन को लेकर तमाम वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड अंचल में गौवंश सैकड़ों सालों से श्रद्धा का पात्र बन रहा है। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, गौ सेवा की परंपरा है गौ भोज। फसलों में जानवरों को घुसने को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वाद विवाद के किस्से अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन सागर जिले के गांव में एक दिन के लिए सारे जानवरों को इकट्ठा कर हरे भरे खेतों में छोड़ दिया जाता है और इसी परंपरा का नाम है गौ भोज। यह परंपरा लगभग 400 से अधिक वर्षों से जारी है। इस परंपरा के बारे में ग्रामीणों की मान्यता है कि इससे उनकी फसलों को लाभ होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरे भरे खेतों में भागते दौड़ते और चरते हुए जानवरों के झुंडों को। यह नजारा है सागर जिले के राहतगढ़ तहसील के रजौली गांव का। यह जानवर गौ भोज में हिस्सा ले रहे हैं। इस परंपरा के आयोजक भगवान सिंह लोधी बताते हैं कि वर्षों पहले इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब बुजुर्गों ने गाय को नियंत्रण कर उनको भोज कराया था। तब से यह परंपरा निरंतर जारी है। यह 400 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसका आयोजन पोषी अमावस्या के दिन किया जाता है और ग्रामीणों का मानना है कि इससे उनकी फसलों को फायदा होता है। ये 400 साल के लगभग है ये परंपरा और ये कमतरती चली जा रही है। एक समय ऐसा हुआ था कि फसल खड़ी थी, वो बर्बाद होती थी गोलों से, तो उस समय पूरे गाँव की जो गौ है उसको यहाँ निमंत्रित किया गया था, तो निरंतर उस समय से चलती आ रही है और आज भी निरंतर चल रही है। निरंतर ये है कि अब श्रद्धा के अनुसार हम लोग गौ माता का वो देखते हैं, ये श्रद्धा है। पोषी अमावस्या तो लगभग ये 24-25 तारीख को पड़ती है दिसंबर में, ये 23-22-23 तरह से आती है और निरंतर चल रही है। और हमारे गाँव में पहला है मध्य शासन कोई मंत्री इस समय मौजूद है, वो आज इस कार्यक्रम में पधारे है। यहाँ प्रतिवर्ष पोषी अमावस्या के दिन श्रद्धा के साथ गौ माता भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें गाय पूजन के साथ गायों को खड़ी फसलों में चरने व विचरण करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। पूरे गांव की गायें इस दिन कहीं पर भी खेतों में जाकर स्वच्छंद रूप से विचरण करती हैं, चरती हैं। इस दिन कोई रोक टोक नहीं होती है। सभी ग्रामीण जन गौ माता भोज को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के आशीष से फसलों की अच्छी पैदावार होती है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री राजपूत ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने गांव रजौली वासियों की गौ भोज योजना के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि गौ के प्रति श्रद्धा कैसे रखी जा सकती है, दूसरे अन्य लोग रजौली वासियों से सीख सकते हैं। गौ भोज कार्यक्रम है और आज के दिन जितनी भी क्षेत्र की गाय है इन गांवों के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो खड़ी हुई फसल में घुसकर जितना उनको खाना है, जितना चरना है, आज के दिन वो फ्री रहती है। मैं समझता हूँ ये परंपरा
इस गांव में रजौली गांव में जो कि सुरखी विधानसभा में आता है, कि 400 साल से इस पर्व को मनाया जाता है। मैं समझता हूं इस प्रकार का पर्व शायद ही कहीं मध्य प्रदेश से मनाया जाता हो। आज के जमाने में एक भी जानवर अगर घुस जाता है तो लोग उसको मार मार के बाहर भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों की ये परंपरा बहुत ही सराहनीय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।